So I guess then I'm decided from Veggiepaaji. और मेरे साथ है अभी अभिषेक, जिनको आपने बहुत लास्ट की कुछ वीडियोस में देखा होगा लुधियाना की. yes. साथ में मिलके हम लोगों ने बहुत ताबड़तोड़ खाना खाया. आज की वीडियो में हम लोग और ताबड़तोड़ खाना खाने वाले हैं. हम लोग अभी आए हुए हैं डंडी स्वामी रोड पे, और यहाँ पे डंडी स्वामी रोड से अंदर लेके निकलता है प्रिंस हॉस्टल. प्रिंस हॉस्टल से सीधा ऑल लेफ्ट ले लो तो निकल जाता है सीमेंट्री रोड. मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं 10 साल से लुधियाना रहता हूँ, बंदे को रास्ता बता दूँ. यहाँ पहुँचना कैसे पहुँचो मेरे से पूछो. जोक्स, बैड जोक्स, जक्स. तो अभी हम लोग खाने वाले हैं अमृतसरी कुलचे, गुप्ता जी के फेमस अमृतसरी, नहीं हम लोग खाने वाले हैं, हम लोग खाने वाले हैं छोले कुलचे, गुप्ता जी के फेमस अमृतसरी पकौड़े, और एक आध चीज़ खाएंगे. देखेंगे इस वीडियो में वही अपना जैसे रहता है ट्रेंड, अपना बढ़िया खाने खाने का निकालेंगे. वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, और बढ़िया सा कमेंट करके मुझे बताओ कि ऐसे मतलब क्या, मतलब आपने कभी ऐसे लेवल के अमृतसरी के लेवल के पकौड़े खाए हैं? क्योंकि उनका स्वाद ही अलग होता है, उनकी बात ही अलग होती है. अमृतसर में जाके खाओ तो ओए होए नज़ारे हैं, पर पंजाब में कहीं भी खा लो तो चल जाएगा ओए होए. ठीक है, तो बिना किसी देर का वीडियो स्टार्ट करते हैं. इन 3 2 1 एंड फ्यू. ये बढ़िया सिस्टम है एकदम. नमस्ते पंडित जी, अपना क्या खिलाएंगे आप? लड्डू है हमारे पास, राम लड्डू है, खिलाइए. तो लोगों ने बोला था कि पंडित जी के लड्डू ज़रूर खाना, बड़े स्वाद बनाते हैं. क्या रेट है जी? रेट तो है जी 40 रुपये प्लेट. 40 रुपये, तो एक प्लेट लगा दीजिए, खा लेंगे एकदम करारे. नहीं, हाफ प्लेट भी लगती है? नहीं, पूरा लगता है. पूरा ही लगता है, चलिए पूरा ही खा लेंगे. ठीक है जी, खाएंगे लड्डू करारा. हाँ, लड्डू खाएंगे करारा. फिर आएगा नज़ारा, फिर आएगा नज़ारा. अच्छा ठीक है जी. हाँ. तो बाद आएगा नज़ारा. हाँ, ये जो खाएगा हाँ वो तर जाएगा. अच्छा, जो नहीं खाएगा वो रह जाएगा. चुकंदर? हाँ जी, हाँ जी, चुकंदर तो गाजर. इसमें क्या डाल रखा है? इसमें पूरा राई, राई, ताकि उसका खटास आए. हाँ, खटास के लिए नुकसान नहीं करता. अच्छा अच्छा ठीक है जी. बढ़िया. हाँ, अच्छा जी, घड़ा नहीं है. हाँ हाँ हाँ, ये घड़ा के आपको बनाना होगा, ये पार्टीज वगैरह में आप लगाते हैं. हाँ, ये अपने अमृतसर के स्पेशल पकौड़े हैं. ये जो चीज़ें आपको ना अमृतसर के ना, ये अपने पंजाब के स्पेशल पकौड़े हैं. ये आपको दाल वाले पकौड़े इस टाइप के, इस स्टाइल के आपको सिर्फ पंजाब में ही मिलेंगे. मैंने लास्ट टाइम जब खाए थे, लास्ट ईयर अमृतसर में खाए थे जब मैं पंजाब में था, उसके बाद मैं अभी खा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको और कहीं और नसीब नहीं होगी. ट्राई करते हैं पंडित जी के बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ. ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, जो चटनी है ना, चटनी एकदम, चटनी में खटास भी है, हल्का सा तीखी चटनी भी है, मीठी चटनी भी है, कॉम्बिनेशन. और प्राइस कितना है इसका? ओनली 30 रुपीज़, 40 रुपीज़. जैसे पंडित जी बोल रहे थे, पकौड़ा एकदम क्रिस्पी. अब इसको आराम से बैठ के ख़त्म करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं ओवर अ प्लेट ऑफ छोले कुलचे. यहाँ पे अभी हम लोग प्रिंस हॉस्टल वाली रोड पे है, और लोकेशन लिंक्स आपके इसके मैं डाल दूँगा. आप, ओ मैं पंडित जी बोली जा रहा हूँ, सॉरी, वो पंडित जी के छोले कुलचे और ये इसमें कंफ्यूज हो गया. गुप्ता जी के स्पेशल अमृतसरी लड्डू, स्पेशल अमृतसरी लड्डू. ये मैं पिछले साल अमृतसर में था तो अमृतसर में खाया था, एकदम ऐसे ही. ये क्या कहते हैं इसको? लड्डू करारे, करारे. हम तो बाद आते रहेंगे नज़ारे. अमृतसरी लड्डू करारे, खाने के बाद आएंगे नज़ारे. खान तो बाद आने हैं नज़ारे. अगर हो गया पास, अगर हो गया पास, आने के बाद अगर हो गया पास, हाँ, तो आप आने का कर जा प्रयास. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. खाएगा वो तर जाएगा. अच्छा, जो नहीं खाएगा वो जीवन में रह जाएगा, कुछ नहीं खाया. बहुत बढ़िया, खाएगा क्या बात है. ये आपने बड़ा सही सिस्टम लगा रहा है. अच्छा, नहीं आपने बड़ा सही सिस्टम लगा रखा है, आधा इसमें उसका सेटअप है, आधा इधर है. क्या करूँ, मजबूरी है, मैं चला नहीं सकता. अच्छा, कोई चीज. हाँ, हो गया. ओह अच्छा अच्छा, तो अब ठीक है ये? ठीक नहीं है, पर दर्द नहीं है ना. अच्छा, चलना मुश्किल है ना. हाँ हाँ, समझ गया. ये बनवाया, आराम से बैठ करके आ जाता हूँ. हाँ हाँ हाँ, तीन तो वो रहता है तो उसमें हिलता नहीं है. बैठ करके आराम से आ जाता हूँ.
हाँ जी हाँ जी तो okay. प्रेम करता हूँ हाँ प्यार करता नहीं हूँ अच्छा सब प्रेमी अपने का अच्छा जी बहुत बढ़िया लगा जी आपके गुप्ता जी के स्पेशल अमृतसरी लड्डू खा के करा रहे ये क्या है जी देसी कुलचे कैसे होते हैं अरे ये बंटी की वाले कुलचे हैं ना इन्हीं पे तो बंटी की लगा के खाए थे हमने उस वीडियो में पहली वीडियो में क्रेजी चलो इसमें क्या है जी रेगुलर छोले है ये तो अच्छा दिल्ली में जो है ना छोले कुलचे जो है ना ऐसे छोले नहीं मिलते वो लंबे वाले वो मटरा मिलते हैं वो और ये कुलचे भी अलग होते हैं उनके कुलचे भी अलग होते हैं ये तो मतलब अलग ही चीज़ है ये लेकिन वर्थ है एक्सपीरियंस 40 रुपये के चलो जी अभी हम लोग ऐसे क्यों खा रहे हैं ये हमें ही पता क्यों खा रहे हैं ऐसे पता है बट ये कुछ बातें ऑफ कैमरा करनी पड़ती है तो जो भी है मजबूरी में हम लोग ऐसे खा रहे हैं देखते हैं कैसे है स्कूटी ना गंदी होते हुए क्योंकि वैसे तो हम लोग दूसरों की स्कूटी पे खाते हैं पर आज तो ये अपनी स्कूटी है तो इसका तो उसका और प्यार से रखना पड़ेगा धन्नों को इसका कोई नाम रखा हुआ तूने नो आवल तो छोले कुलचे डिसेंट ये अभी हम लोगों ने पहले खाए गुप्ता जी के अमृतसरी पकौड़े जो गुप्ता जी ऐसे मस्त ओरेटर थे ना क्या गाने बना दिए उन्होंने अपने अमृतसरी के पकौड़े पे साथ में ही उनसे बस मतलब आई थिंक 100 मीटर दूर ही उनसे थे अपने पंडित जी के कुलचे और ये वाले जो हैं ये थोड़े तरी वाले हैं छोले ये छोले जो हैं हम लोग जैसे दिल्ली में होते हैं ना पूरी वाले छोले जो होते हैं ना वैसे हैं हल्के मसाले मेरे को देख के ही लग रहे हैं कि इसमें होंगे और कुलचे भी बड़े ऐसे बाइट साइज क्यूट से कुलचे हैं जैसे मतलब देखने में ही लग रहे थे ना हल्के मसाले वाले हैं तो कुलचों के साथ बेसिकली आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज कि ये आप एक मील खाओ तो आपका पेट भर भी जाएगा और वो होता ना पेट फूलेगा भी नहीं जैसे पेट फटने को होता ना छोले भटूरे खाने के बाद लाइट से हैं इसमें नींबू भी निचोड़ा हुआ है ना नींबू का जो मज़ा आ रहा है ना छोले भी एकदम बड़े प्यार से गले में इन छोले कुलचों पे थोड़ा हम मिलकर चर्चा करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और जगह के किसी और छोले कुलचों पे इसी वीडियो में मिलते हैं 10 सेकंड में एक प्लेट लगाना जी एक और हाँ एक ही प्लेट में जगह ज़्यादा है नहीं ठीक है जी तो अब हम लोग आ गए अपनी दूसरी जगह पे अब अभी हम लोग दूसरे उस जगह से दूध से छोले कुलचे खा रहे हैं ये ऑफ कैमरा बात है ये आपको चीज़ें तभी समझ आएगी जब आप मेरे से मिलोगे और मिलके हम लोग थोड़ी बातें शेयर करेंगे तब तक ऑन कैमरा हम लोग खाते हैं छोले कुलचे आओ ज़रा नीचे आओ आपको दिखाता हूँ सेम वही लग रहा है मेरे को तो हिसाब है ना मुझे चने अच्छे लग रहे हैं इसके चने बस थोड़े से मतलब थोड़े गाढ़े लग रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा तरी वाले थे और कुलचे तो एकदम ही सेम है यहाँ पे कुलचे ऐसे ही मिलते हैं कुलचे गर्म नहीं करते नहीं ये बताऊँ क्या होता है हाँ ये चने गर्म कर देते हैं हाँ ठीक है और कुलचे इनके पास सेटअप नहीं होता ना अच्छा तो कुलचे ऐसे ही पकड़ा देते हैं मतलब एकदम मूवेबल सेटअप है चलो जी खाते हैं जी लुधियाना के पंजाब के छोले कुलचे जो दिल्ली तो बहुत अलग है ये तो भाई ये तो चने का साइज ही देख ये तो अपने छोले भटूरे वाले चनों का साइज़ है छोले भटूरे वाले चनों का साइज़ माइनस द मसाले नहीं है इसमें वो कहते हैं ना व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू आप जिस शहर में जाते हो उस शहर में ढल जाते हो ढल अगर नहीं ढले तो गेम ओवर अगर नहीं ढले तो गेम ओवर तो बेसिकली छोले भटूरों के साथ खिलाए जा रहे हैं एकदम बहुत हैवी डिश है भटूरे अपने आप में इतने हैवी और इतने मतलब समझ रहे हो उनके साथ ये फीके छोले खा के ना मज़ा नहीं आएगा पर छोले कुलचे ना बड़ी एकदम
कुलचे ना बड़ी साउथ सी चीज़ है, ठीक है ना, वो ना ऐसे खा के ना, मतलब कुलचे खा के तू बोलने वाला है क्या कर रहा है, ठीक है ना, भटूरे खा के तेरे अंदर से गर्मी आती है, क्या कर रहा है भाई, निकल निकल यहाँ से, समझ रहे हो। तो इसके साथ ना मतलब आप समझ नहीं रहे होगे, मैं वही कह रहा हूँ ना, अपना काम ही वही है, गंदे जोक्स और अच्छा खाना, ओनली इन लुधियाना। तो कहने का तात्पर्य है ये छोले कुलचे सही है, पर ये मसाला जो है बड़ा माइल्ड है, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा, फिलहाल तो मुझे पसंद आ रहा है, बिकॉज व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। ये वाला उससे अच्छा है, मसाले बहुत तेज हैं। हाँ, और मैं काली मिर्च डाल दी है। हाँ, पर स्टिल मतलब वेरी लाइट सा, मतलब ये जो ये चने हैं सेम वही चने हैं, पर इनकी जो प्रिपरेशन है बड़ी लाइट सी है, इसको खा के तेरा पेट ऐसे आफरेगा नहीं, है ना, ठीक है, डन डन है जी, चलो जी। को एक जगह से दूसरी जगह पे पोर्ट कर रहे हैं। तो आज के दिन की नहीं, आज के वीडियो की लास्ट चीज़ है खाने वाली, राजस्थानी कचौड़ी। हम लोगों ने ये एप्पल का स्टोर है, तो हम लोगों ने ये एप्पल स्टोर है ये इधर कॉलेज रोड से जस्ट लेफ्ट लेते एप्पल स्टोर आता है, वहाँ से हम लोगों ने साथ में एक राजस्थानी कचौड़ी वाले खड़े थे। अब जो ये कचौड़ी जो है ना, जो मैंने राजस्थान में कचौड़ी खाई ना, ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती है, बट ये आई थिंक दिस इज़ पंजाब्स टेक ऑन कचौड़ी। पंजाब स्टेकन कचौड़ी है, किसी भी चीज कचौड़ी के पीस पे छोले डाल दो, पंजाबी कचौड़ी, जॉक्स, बुरे जॉक्स। पास में आपको दिखाता हूँ क्या है, बेसिकली वही मतलब कचौड़ी है, खस्ता कचौड़ी, उसको मतलब डाल दिया, उस पर छोले डाल डूल के, प्याज चटनी वगैरह डाल के, फर्स्ट बाइट, नॉट बैड। मैं कह रहा हूँ ना, इस वीडियो में हम लोगों ने इतने छोले खाए ना, खा खा के छोले बन गए जक्स। मैं जैसा कह रहा था ना, जैसा देश वैसा भेस, तो मतलब व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। अब यहाँ पे जो छोले है ना, ये एकदम स्पाइसी है और एकदम कचौड़ी के साथ मस्त जा रहे हैं, चटनी के साथ इनका मिलाप जो है ना ऐसा, ओए होए 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 ओए होए होए, नज़ारे हैं जी। अब जाते हैं वहीं पर, हम लोगों ने यहाँ पर ही भी कॉफ़ी है, मेरे को अभिषेक ने बोला ही भी की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, जाके ट्राई करते हैं, छापा मारते हैं इनका, देखते हैं क्या कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं या फिर पागल बना रहे हैं, पता लगाते हैं ओनली एट वेजी पाजी। आ जाओ फिर चल भाई, वो स्कूटर इतनी तेज़ आवाज़ कर रहा था, इतनी तेज़ तो लोग हॉर्न में वीडियो ख़राब नहीं करते मेरी। आओ चलो कॉफ़ी खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। फ्रापे, आइस लाटे, हाँ जी, आइस कैपेचिनो, आइस मोका, लेट्स ठीक है, आइस मोका, चॉकलेट चॉकलेट्स, ओके, ब्लेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विद एक्सप्रेसो मिल्क एंड आइस क्यूब, बस एक मीडियम आइस लाटे विद हेज़लनट। अच्छा बस थोड़ा सा हेज़लनट ज़्यादा डालना है। चालीस डिग्री टेम्परेचर में लास्ट चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं वो है हेज़लनट लाटे विद आइस लाटे, हेज़लनट आइस लाटे, बड़ा फैंसी नाम हो गया है कॉफ़ी के, एसेंशियली कॉफ़ी है भाई हम लोग ये ही भी कॉफ़ी पे, मेरे को अभिषेक बोला है इसकी कॉफ़ी अच्छी होती है, ट्राई करते हैं कैसे, वैसे ट्राई मैंने कर लिए, मैंने उनको बोला था हेज़लनट ज़्यादा चाहिए, तो उन्होंने पहले मेरे को एक टेस्टर में पिलाया, फिर मैंने बोला नहीं नहीं थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, फिर उन्होंने और टेस्टर में पिलाया, मैंने बोला सही है, कड़क एकदम मेरे लेवल का भाई, ये तो आइसक्रीम तो है, ओ आइसक्रीम वाला कॉफ़ी तो अच्छी है ही, पर गर्मी में डबल अच्छी लग रही है। किसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी, और कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से बहुत छोले हम लोगों ने दिखाए, तो आपको डिफ़िकल्ट होगा सेलेक्ट करना कि आपके फेवरेट छोले कौन से थे, कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसी बढ़िया बढ़िया वेजिटेरियन खाने की वीडियोस आती है हफ्ते में चार बार, बहुत एडवेंचर करते हैं अभी हम लोग, अभिषेक के साथ निकलते हैं, और आपको अगली वीडियोस में कुछ और शक्लें दिखेगी अलग अलग लोगों की,
जनाब लुधियाना में बहुत प्यार है, हम लोगों के बहुत दोस्त हैं यहाँ पे, सारे यारों के साथ मिलके वेजिटेरियन खाना एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। ठीक है जी, तो समोसे खाने स्टार्ट करते हैं। आपका तो रोज़ का अड्डा होगा, मतलब